डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज हम क्लास सिक्स के मैथ्स की क्लास ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, मूविंग आवर नंबर्स। जैसे ही मैं नंबर वर्ड बोलती हूँ, आपके माइंड में बहुत सारी इमेजेस आती हैं और बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यही सारे हैं नंबर्स। अब हम इन्हें मैथमेटिकल्स फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नंबर क्या है? मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं फॉर मेनी पर्पस, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि काउंट, मेजरमेंट एंड एक्सेट्रा। जैसे कि स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको ये दो स्केच पेन दिखा रही हूँ। ये स्केच पेन है। अगर मैं कहूँ कि ये क्या है तो आप बोलोगे कि मैम ये स्केच पेन है, बट अगर मैं बोलूँ कि इन्हें नंबर में काउंट करके बताइए तो आप कहेंगे कि मैम ये 2 हैं। तो ये 2 क्या है? ये नंबर्स हैं। बेसिकली नंबर्स हैं क्या? तो नंबर आर फॉर्म बाई डिजिट्स। जो नंबर होते हैं उन्हें डिजिट के थ्रू फॉर्म किया जाता है। जो डिजिट्स होती हैं वो 10 होती हैं, 0 to 9। ये 10 जो होती हैं डिजिट्स, इन्हीं से मिलकर के पूरे नंबर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। नंबर से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट टर्म हैं, जैसे इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आपको दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एक पूरा बड़ा सर्कल है और उसी में से एक छोटा इसका पार्ट है, ये छोटा सर्कल है। बड़े वाले को मैंने होल नंबर से डिनोट किया और छोटे सर्कल को मैंने नेचुरल नंबर से डिनोट किया। ये दोनों सेम है सिवा एक चीज़ के। क्या है वो डिफरेंस? बेसिक डिफरेंस है जिससे ये डिफरेंशिएट किए जाते हैं। तो होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। मतलब कि जो जिनमें 0 इंक्लूड होता है उन्हें होल नंबर कहते हैं, और जिनमें 0 इंक्लूड नहीं होता है उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। अब हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे, तो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम बताएंगे कि वो ग्रेटेस्ट हैं, या फिर हम बताएंगे कि वो स्मॉलेस्ट हैं। यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा हुआ है, 63, 6, 46, 89, 100। ये बहुत ही बेसिक क्लास है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप इसमें से बता सकते हैं कि ग्रेटेस्ट कौन सा है और लार्जेस्ट कौन सा है। तो देखिए, जो ये 100 नंबर है वो क्या है यहाँ पर? ग्रेटेस्ट। और जो ये 6 नंबर है वो इन सब में क्या है? स्मॉलेस्ट। चलिए, अब तो ये हो गया कि आप पहचान सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ, मान लीजिए सपोज दैट कि कुछ डिजिट्स आपको दे दी गई हैं और उसमें आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? चलिए हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ है ग्रेटेस्ट और एक तरफ है स्मॉलेस्ट, सेम डिजिट से हमें दोनों बनाना है। सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आप ग्रेटेस्ट बनाते हैं तो जो भी डिजिट्स दी गई हैं उनमें, उन डिजिट में से हम सबसे बड़ी डिजिट को सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी डिजिट है 8, फिर 4, फिर 3 और फिर 1। तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। और इसी तरह से हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। स्मॉलेस्ट में जस्ट इसका रिवर्स कर देते हैं, पहले सबसे स्मॉल डिजिट, उससे बड़ी, उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। स्टूडेंट, आप इन दो जो हमने अभी डिजिट्स बनाई है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट्स, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें नंबर का एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक अरेंजमेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्मॉल बिग टू स्मॉल है, और यहाँ पर देखें तो स्मॉल टू बिग, यानी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है नंबर और यहाँ पर नंबर क्या होता जा रहा, धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो यहाँ से दो अरेंजमेंट जो है वो नंबर्स के देखने को मिल रहे हैं। इन्हें हम कुछ नाम से डिफाइन करेंगे। तो आगे का टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ नंबर। तो दो तरह से होते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी जब हम किसी भी नंबर सिस्टम को स्मॉल से ग्रेटेस्ट की तरफ लिखते हैं तो वो ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, और जब कभी हम ग्रेट से स्मॉलेस्ट की तरफ लिखते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इस क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझें तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 36, 40, 99, 10, 6 और 200। ये बहुत छोटी छोटी डिजिट्स दी हुई हैं क्योंकि
आपको समझने में आसानी हो। तो असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम देखे हैं कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट लिखते हैं, तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, 6 है, देन 10 है, फिर उससे बड़ी 36 है, फिर 40 है, फिर 99 है और फिर 200 है। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा करते हैं, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो ये दो पैटर्न आज आपने सीखे कि डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को कैसे रखा जाता है। नीचे मैंने होमवर्क कुछ दिया है, स्टूडेंट्स आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय।